एक तरफ देश में कोरोना वायरस के चलते देश में हाहाकार मचा हुआ है, लगातार मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और यूपी के योगी सरकार लगातार प्रदेश की जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ देने की बात करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार राशन में लगातार व्यापारी सरकारी राशन में कालाबाजारी तथा गरीबों के मुंह का निवाला छीनने में लगे हुए हैं। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात का है, जहां तहसील सिकंदरा क्षेत्र से अवैध तरीके से सरकारी राशन को गलत तरीके से सरकारी बोरे के अंदर गरीबों के सरकारी राशन को गलत तरीके से भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के एक मिल ले जाया जा रहा था। एक तरफ देश प्रदेश में फैले कोरोना महामारी के चलते लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, चिता जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बची। वहीं देश प्रदेश के हर जगह बिचौलिए दलाल सरकारी राशन की कालाबाजारी कर गरीबों के निवाले में कालाबाजारी करके सरकारी राशन को मील भेजने में लगे हुए हैं। जब सिकंदर तहसील क्षेत्र से गलत तरीके से भोगनीपुर तहसील मील में ट्रैक्टर के द्वारा गरीब के निवाले सरकारी राशन को ले जाते समय ट्रैक्टर का वीडियो बनाया गया, तो वीडियो बनते ही ट्रैक्टर ड्राइवर की हालत खराब हो गई और पत्रकारों द्वारा बनाए गए वीडियो को लेकर खबर न चलाने को लेकर मिन्नतें की जाने लगी। आप लगातार वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्रकारों ने जान जोखिम में डालकर चलती मोटरसाइकिल में इस सरकारी राशन के काले कारनामे को कैमरे में कैद किया। इसी दौरान गलत तरीके से सरकारी राशन की हो रही कालाबाजारी का वीडियो बनते ही ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ साथ अवैध राशन मालिक ने पत्रकारों को फोन के द्वारा हर संभव रुपए पैसे का लालच देकर वीडियो डिलीट करने को लेकर गुहार करने लगे। वहीं पत्रकारों ने तहसील भोगनीपुर के जिम्मेदार अधिकारी नायब तहसीलदार के साथ साथ सप्लाई इंस्पेक्टर को इस सरकारी राशन की कालाबाजारी को लेकर फोन द्वारा सूचना दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौरान सरकारी राशन की हो रही कालाबाजारी को लेकर अवैध कारोबारी व्यापारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। इसी दौरान सरकारी राशन की कालाबाजारी कर रहे बिचौलियों के गुर्गों ने पत्रकारों को घेर कर दबाव डालते हुए दबंगई के बल पर ट्रैक्टर को निकाल दिया। अगर बात की जाए तो इस कोरोना महामारी के दौरान जहां एक ओर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे बड़े बड़े व्यापारी इसी का फायदा उठाते हुए गरीबों के सरकारी राशन में कालाबाजारी करके धन जुटाने में लगे हुए हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। रजपाल कौन? ये है कौन? ये है कौन? व्यापारी है भैया। व्यापारी है? ये सरकारी गल्ला है कि उसका व्यापारी जा रहा है? ये लेवी में जा रहा है। हाँ। सरकारी बोरे मर के ये दोबारा भरी गई है, बोरी दोबारा भर के आई है ना, खाली करके उसकी स्लिप निकाल के सरकारी गल्ला है। क्या कोटा है? क्या कोटा में ये बोरी लेवी में जा रहा है? सप्लाई इंस्पेक्टर को फोन लगाओ, माल चेक करवाओ, खत्म काम। चलो भोगनीपुर थाने में गए, गाड़ी आने भोगनीपुर बात करते हैं।